सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। ऐश्वर्या राय बच्चन सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को करती है फॉलो, क्या आप जानते हैं उस खुश नसीब का नाम? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन बी टाउन की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है। भले ही वे कम फिल्मों में काम करती हैं, लेकिन उनके फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। 2018 में सोशल मीडिया पर अपनी शुरुआत करने के बाद से अब तक हर दिन उनके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है। आज की बात करें तो उनके 9.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कई लोग बच्चन बहू को फॉलो करते हैं, लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि वे सिर्फ एक शख्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हैं। इसे अगर आप ऐश्वर्या राय का इंस्टाग्राम देखें तो वे सिर्फ बच्चन फैमिली या फिर अपने मायके वालों की फोटोज शेयर करना पसंद करती है। इन फोटोज में उनके पति अभिषेक बच्चन, बेटी आराध्या बच्चन, ससुर अमिताभ बच्चन, सास जया बच्चन, माँ वृंदा राय ही ज्यादातर नजर आते हैं। अब बात आती है ऐश्वर्या राय आखिर किस शख्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती है, तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं उनके पति अभिषेक बच्चन हैं। बता दें कि ऐश्वर्या राय ने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। 87 देशों की कंटेस्टेंट को हराकर ऐश्वर्या राय यह ताज अपने नाम किया था। 21 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड बनी ऐश्वर्या राय उस वक्त आर्किटेक्चर की स्टूडेंट थी। मिस वर्ल्ड बनने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने को सोची। उन्होंने 1997 में और प्यार हो गया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अप्रैल 2007 में ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी की और अब दोनों की 9 साल की एक बेटी है जिसका नाम आराध्या बच्चन है। ऐश्वर्या राय एकमात्र ऐसी इंडियन सेलिब्रिटीज है जिन्होंने दो विरोधी कंपनियों पेप्सी और कोका कोला ब्रांड का विज्ञापन किया है। टोखरे बाली और रेनकोट जैसी फिल्म में अपनी सधी हुई एक्टिंग के जरिए उन्होंने साबित किया कि वे सीरियस एक्टिंग में भी माहिर हैं। एक्ट्रेस और मॉडल होने के साथ ही ऐश्वर्या एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी है। फिलहाल उनके पास किसी भी बॉलीवुड फिल्म का ऑफर नहीं है, लेकिन वो मणि रत्नम की निर्देशन में बन रही साउथ फिल्म पोन्नियिन सेल्वन में काम कर रही है। इस फिल्म में उनका डबल रोल है। इस फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।